फेरी मेडोज के अलावा जो लोकल नाम है वो है जूत, JOOT। यही तो मसला है, यही तो मसला है कि तुम लोग ब्रोज हो, ब्रोज को एक चादर भी नहीं होना चाहिए। दिस इज हाउ यू डिस्ट्रॉय अ परफेक्टली ब्यूटीफुल प्लेस। I love Pakistan. The people are so friendly. The scenery is amazing. Pakistan, Zindabad! Yay! ये कहानी है एक मनचले मुसाफिर की जो मोटरसाइकिल पे खुदा की देन इस हसीन वतन अजीज को एक्सप्लोर कर रहा है। लोकेशंस की गाइडेंस और हर जगह के मुख्तलिफ पहलू दिखाने के लिए ये चैनल बनाया। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और आएं इस सफर में मेरे साथ इस जन्नत नजीर मुल्क को मेरी आंख से देखें। मजा आ रहा है। बहुत सुबह हो गई है। सुबह तो नहीं, काफी लेट उठे हम लोग। बस करना क्या, सुबह हड्डी भरी है लोग, जाके व्यूज देखते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। और कल की थकान वैसे अभी तक कोई खास उतरी नहीं है, बट लेट्स सी। Too much ego, too much arrogance, too much pride. We care more about the image than the hearts and the mind. मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा इर्द-गिर्द घूमने फेरी मेडोज में ही। लोग क्रिकेट क्रिकेट खेलने हैं, उनके साथ जाके थोड़ी मस्तियाँ करते हैं। और मोबाइल इसको गोप्रो को माउंट कर लिया स्टिक पे। सीढ़ियाँ कहाँ चली गई? अच्छा, वो नहीं सीढ़ियाँ। तो दिखाते हैं, कुछ सीन्स ऐड करते हैं और हल्का फुल्का इन्जॉय करते हैं। रिफ्लेक्शन लेक भी इसी गो में जाते हैं। पकड़ लिया। ये देखें, ये इन मेडोज की खूबसूरती थी, खूबसूरती है कि यहाँ पे ऐसे चरागाहें हैं जानवरों के लिए, घोड़े बकरियाँ गाय हर चीज़ यहाँ पे है। लेकिन जब आप यहाँ पे आके इन जगहों को कमर्शलाइज होता हुआ देख रहे हैं तो कहाँ जाएंगे ये सारे जानवर, फिर वो मेडो की अपनी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ हाउ यू डिस्ट्रॉय अ परफेक्टली ब्यूटीफुल प्लेस। इसको इतना शदीद कमर्शलाइज करा जा रहा है कि ट्रस्ट मी, ये आखिरी साल है या अगला आखिरी साल होगा, इस जगह की ना वाट लग जाना है। मैं वहाँ ऊपर, वो होटल है जहाँ पे हम रुके हुए, वहाँ से ऊपर से देख रहा था, पूरा व्यू बर्बाद हो रहा है इन होटल से। ये बीच में एक मेन मेडो है, ये पहले बाहर बाहर होटल्स बन रहे थे, अब ये मेडो के अंदर भी बन रहे हैं। इसके इर्द गिर्द की सारी घास तबाह हो जाना है। रेस्टोरेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है, घास को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए या इस जगह को अच्छा साफ रखने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। सही है, लोकल्स ने धनाधन यहाँ पे बना दिए हैं अपने होटल्स। देखें कितनी लकड़ी जो है ना वो यहाँ पे पड़ी हुई है। और है अफसोस हो रहा है मुझे इस जगह का। आज हमें लग रहा है कि हम 8 घंटे की ट्रैकिंग जो है ना वो फालतू, इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं लग रही। कल को तो समझें बिल्कुल ही फारिग हो जाएगी जगह। बहरहाल जो भी टूरिस्ट आए, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस जगह को आप ख़राब ना करें, साफ रखें, कोशिश करें कचरा वचरा उठाएं, और लोकल्स को किसी तरह समझाने की कोशिश करें कि इसके साथ वो ना किया जाए जो हमने बाकी बहुत सारी जगहों के साथ कर दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं रिफ्लेक्शन लेक ढूंढ रहे हैं, यहीं कहीं है। मीनवाइल मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ के बारे में नॉलेज शेयर की जाए। फेरी मेडोज का नाम रखा गया था फेरी टेल मेडोज, और ये रखा था जर्मन क्लाइंबर्स ने जो कि नांगा पर्वत के लिए आए थे, और उन्होंने बेस कैंप जहाँ पे उन्होंने करना था उसके करीब उनको ये मेडो दिखा था। और दिस प्लेस वॉज डिस्कवर्ड कहें या डिक्लेयर्ड इन 1995। और इसका जो लोकल नाम है फेरी मेडोज़ के अलावा जो लोकल नाम है वो है जूत, JOOT। ये 10,800 फुट की बुलंदी पर है, यानी 3,000 समथिंग मीटर्स पे।
और इसकी ख़ास बात यही मेडोज़, ये एक रिफ्लेक्शन लेक है, पीछे नांगा पर्वत का जो है वो व्यू वगैरह सब कुछ है जो पीछे हमें नांगा पर्वत दिख रहा है। नांगा पर्वत की हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, उसके बारे में जो बातें, लेकिन बहरहाल अभी हम फेरी मेडोज़ को डिस्कस करें। इसको आने वाला जो रास्ता है, जो कि पहले की शॉर्ट्स में मैंने बताया कि टॉप 5 ख़तरनाक तरीन रास्तों में से, वो बेसिकली टॉप 5 में से तो है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट डेंजरस वे। और ये 1995 के बाद WHO ने डिक्लेयर किया था कि ये सेकेंड डेंजरस तरीन रास्ता है। आई गेस अराउंड 1995 में ही शायद हमारी हुकूमत ने इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था इस जगह को। ये चंद चीज़ें जो कि हमें पता होनी चाहिए फेरी मेडोज़ के बारे में, और सो फार यही है। नांगा पर्वत का जो बेस कैंप यहाँ से थोड़े से ही डिस्टेंस पे लोग जा रहे हैं, अभी भी गए हुए, और मैं वहाँ पे गया नहीं क्योंकि मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था उसमें। यहाँ से भी वही दिख रहा है, करीब घुस के ज़्यादा दिखेगा। फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो सब है यहाँ, टक शॉप, साबुन वाबुन हर चीज़ मिल जाती है, वॉशरूम्स हैं अच्छे खासे, बेहतर कंडीशन में, कोई गंदे बाथरूम नहीं है। तो वो रिजॉर्ट्स, हर रिजॉर्ट ने अपने वॉशरूम्स बनाए हुए, तो फैसिलिटीज़ की यहाँ पे आपने कोई टेंशन नहीं लेना है। कैंप्स के अलावा जो रिजॉर्ट्स के रूम्स भी हैं, जैसे मैं एक उसमें कॉटेज कहलाते हैं, मैं कॉटेज में ठहरा हूँ, तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप कॉटेजेस में भी ठहर सकते हैं, ऐसे कोई मसले की बात नहीं है। तो भाई ये है रिफ्लेक्शन लेक, और आइडियल कंडीशंस में नांगा पर्वत का रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं दिखता होगा। अभी नांगा पर्वत पे भी बादल आए हुए हैं, इस वजह से इतना क्लियर दिख नहीं रहा। बहरहाल ये कोई बहुत ज़्यादा आइडियली साफ़ पानी नहीं है, छोटी सी स्ट्रीम है जहाँ से पानी आ रहा है, और आउटलेट ऐसा जिसका है नहीं। तो जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये वो है जो काई और फंगस टाइप चीज़ होती है। बट स्टिल मैं और अमजद भाई जो है ना, वो सोच रहे हैं कि ट्राउज़र लेकर आएँ, डुबकी लगा लें, 10,800 फुट की बुलंदी में नहाने का शर्फ भी हासिल हो जाए। तो भाई कच्चा अच्छा पहन लिया है, अब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि क्या रिफ्लेक्शन लेक के अंदर अगर नहाने कूदें तो जमते हैं या नहीं। लेट्स सी। अच्छा भाई हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये देखें हमारे साथ एक फैमिली आई हुई है, एंड लेट्स इंट्रोड्यूस देम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये शहजादी का इंट्रोडक्शन करवाएं थोड़ा। ये मेरी बेटी है, 2.5 साल की है, और फेरी मेडोज आई हुई है, और सारे एडवेंचर में इन्होंने आपको बिल्कुल तंग नहीं किया माशाल्लाह। बिल्कुल भी तंग नहीं किया माशाल्लाह, और अभी स्टिक पकड़ के खुद ही इन्होंने ट्रैकिंग की है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। इस एनवायरनमेंट में आप लोग इसको लेके आए हुए, तो आप लोग ने रिस्क लेने का कैसे सोचा? पहले तो हम वापस जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, हमने यू टर्न किया। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, थैंक यू सो मच। ये बॉयज खड़े हुए अपने फैसले को रीथिंक कर रहे हैं कि नहाना चाह रहे हैं लेकिन पानी समझ नहीं आ रहा कैसे। अमजद भाई गम में बैठे हुए हैं वहाँ पे। आ जाए अमजद भाई, मैं मेंढक को देख रहा हूँ कि यार इनको क्या कर रहे हैं। भाई मेंढक होने का मतलब होता है साफ है पानी। चले आप स्टार्ट करें मेरे। तो भाई ओए होए होए ओए होए होए ओए होए 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 ओए होए देख के सोच रहा हूं बस। ओए होए होए तार के जा, मैं तो बोल रहा हूं आगे ना जाना। क्यों कह रहे आगे? वाह شدید ठंडी हो रही है, यहीं से खड़े-खड़े अपने आप को गीला करते हैं, निकलते हैं अभी कैंप फायर पे बहुत घंटे। अगर आग ना कोई लट लाए। ओए हां भाई आग लगाओ, मैं आ रहा हूं जरा डुबकी लगा के। बिलाल आग लगा, उसको जला, वैसे ही जल जाएगा। आ बहुत ठंडा है लेकिन करना तो है। 3 2 1 Big house, film yourself crying like you're suffering. Oh, that life must be so hard in that cold. Ah, boys! Yeah! Yeah! आराम से, ओए धक्का नहीं दी, गर्मी आ रहा हो रहा है। जल्दी डुबकी लगाओ, मैं फिर आगे घूमने आ रहा हूँ। चलो गर्मी पैदा करो। Start. Hmm? Go.
ओए होए होए, मजा आ गया, मजा आ गया। रिफ्लेक्शन लेक। तो भाई बेहतरीन करके सब नहाए हैं और अब सर्दी वर्दी सब दूर जा चुकी है हमसे। अब तो सर्दी लगी नहीं थी। हाँ तो अब हिम्मत देखें कि अब सारे नंगे पोंगे जो है वो वापस जा रहे हैं कैंप की तरफ और मज़ा आ गया। सही फैसला था, बेहतरीन फैसला था। हाथ लगा ले। तेरी तो दत्ती। Turn tightly. Making plans for when you're older. They just pray to see tomorrow. Now they smile the biggest. जी सर, वो बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ गायों से। Okay guys, so introduce yourself please. My name is Joe. I'm from the United States. I live in Las Vegas, Sin City. I've been in Pakistan for a week and a half. I love Pakistan. The people are so friendly. The scenery is amazing. Pakistan, Zindabad! Yay! I'm Marty. I'm from New Zealand, Auckland. And just my experience here in Pakistan has been absolutely crazy. The roads are insane. A good kind of scary, but the scenery has topped it for me. I just can't stop looking at all the mountains, and we've hiked for 3-5 days. We've done all sorts of stuff and just been real amongst it. I've loved it every moment. It's been awesome. Thanks, man. Hi, I'm Katrina. I'm from New Zealand as well. We've absolutely loved Pakistan, and it was great to hear that fact today that the road is the second deadliest road in the world and that we've just come up it. So that's awesome, and to be able to look at the scenery, the mountains, it's just been insane, and the people have been absolutely amazing. So it's been spectacular. Thank you. My name is Lawrence. I'm from Connecticut, USA. I'm an avid traveler. I've been trying to come to Pakistan for years. It did not let me down. This place is magical. It's heaven on earth. It has everything you want as a traveler. Scenery, food, culture, hospitality, amazing people. The Fairy Meadows is hallucinogenic. Doesn't feel real. I think this is CGI. Come to Fairy Meadows today, tomorrow, return. It's amazing. Thank you. Uh-oh. Yes, last one. Introduce yourself, Ralph. Where are you from, man? My name is Joey Baloney. I come from Brooklyn, New York. This is my first time in Pakistan. I come to check out the, I don't know. What the fuck am I doing? Chicken Cry. I came here to Chicken Cry tour. I have a single Chicken Cry here in Pakistan. How many types of Chicken Cry have you tried? I've lost track. I haven't taken a proper dump in a couple of weeks. Changing gears. No, my name's Ralph. Cope, these are my friends. We are here on a 2-week adventure in Pakistan, and I'm very happy that you guys got to come here and that it's perfect weather. Absolutely. And thanks for having us. How was the experience overall? Are you gonna visit again? I come here every year. This is my third time in Fairy Meadows. Wow, that's amazing. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you. Abhi Amjad kaisa raha? Bahut zabardast hai. मजा आ गया, मजा आ गया। ये दोनों जाना नहीं नहाए जी में नहीं नहाए ना।
हम लोग हम खूब आए हैं, बहुत एंजॉय किए, मतलब तस्वीर गर्म कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास खड़े। भाई इस वक्त मगरिब का वक्त होने वाला है और हम लोग यहाँ बरामदे में बैठे हुए हैं। अच्छा रहा, मज़े का दिन रहा, पानी में जाके स्विम भी किया, वॉलीबॉल भी खेली, क्रिकेट भी खेली, काफ़ी एक्टिव रहा दिन। अब जो है वो सनसेट एंजॉय कर रहे हैं और सूरज जो है ना वो जा चुका है और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। जल गार्डन गार्डन Live with purpose, a life of meaning. You wanna die as a legend. Good deeds don't have no ceiling. Be a person of principles. Self-discipline, live under strict rules. तो भाई ये एंड है पेरी मेडोज वाले व्लॉग का। अब रात को हम सोने के लिए लेट गए हैं, साथ बॉय भी है और मज़ीद कल वापसी के शॉर्ट्स में शायद नहीं ऐड करूँ, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया होगा। आई होप यू आर एंजॉयड, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने पहले बताया, 2 साल में इस जगह को ख़त्म कर देना है कमर्शियल करने वालों ने, होटल्स बनाने वालों ने। टेक केयर गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। Be the change you want to see. Yesterday has passed, today be legendary. Yes! Smile in the morning, counting my blessings. I was born with nothing. You gave me everything, now I'm